Hello everybody, good हाँ evening, welcome to Byju's exam prep YouTube channel. I Dr. Hina Dava welcome all of you to the most comprehensive preparation platform for all examination. That is your very own Byju's exam prep YouTube channel. I hope the VVP is completely fine and I'm audible and visible to all of you. Shraboni, good evening. Upma, good evening. Then we have Shilpa, Nirupama, Mamta, Sarmila, Santoshini, Sujata, Kumte, Upma. Good evening to one and all. Satyavrata, good evening. I hope the VVP is completely fine and I'm audible and visible. Am I right, students? Is everything okay? Great. So I just read Kumte's name, but I am not able to see his name. I don't know whether it's mine or not. So great, everybody keep joining for the session. Everybody, once again, welcome to the session and welcome to your very own Byju's exam prep, most comprehensive preparation platform for all examination. And as you all know, मेरा नाम है डॉक्टर हिना दावर और एक बार फिर से हम जुड़ रहे हैं. आज क्या है, थर्सडे, और थर्सडे को हम जुड़ते हैं Byju's exam prep यूट्यूब चैनल पे. वंडरफुल. तो जल्दी से सभी लोग करेंगे सेशन को ज्वाइन और साथ साथ में करेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लाइक कीजिए, मोटिवेशन लेवल हाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए Byju's exam prep यूट्यूब चैनल को, और शेयर कीजिए सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको इनवाइट कर लीजिए सेशन के लिए. अनन्या, आपने पूछा है बेसिकली कैस्केड मॉडल क्या होता है. तो कैस्केड मॉडल के कई सारे मीनिंग है अगर हम देखें अलग अलग सिनेरियो में. कैस्केड मॉडल में बेसिकली होता क्या है, आप कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और वो लोग वापस जाके अपने स्कूल के बाकी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. तो बेसिकली आप यहाँ पे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देते हो जो आगे जाके अपने आगे फेलोज को ट्रेनिंग देते हैं. क्लियर? तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो लोअर लेवल तक के लोग हैं उन तक कोई भी स्किल्स की नॉलेज पहुंच जाती है, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे आप कुछ सेलेक्टेड टीचर्स को देते हो, फिर वो सेलेक्टेड टीचर्स जाके अपने अपने स्कूल में वो चीज़ बाकी टीचर्स को सिखाते हैं. तो उसको कहा जाता है कैस्केड मॉडल ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट. क्लियर अनन्या? क्लियर है बेटा अनन्या? दैट यू ट्रेन द टॉप लेवल एंड देन दोज टॉप लेवल गो बैक एंड ट्रेन द लोअर लेवल पीपल, ऑल द लेवल्स. क्लियर? सो इट्स बेसिकली चेन टाइप प्रोसेस हो जाता है. चैताली, गुड इवनिंग. से सुनैना, रश्मि, सिमरजीत, अतुल, शिवा रंजन, मीनाक्षी, संगीता, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. एंड इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. आगे बढ़ने से पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि हम आपको हमेशा देते आए हैं, ये है ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए. इट इज बाय द नेम ऑफ एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना एंड डॉक्टर प्रियंका. Byju's एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आपको को हर एक पेपर का चाहिए अपडेट, चाहे वो पेपर वन का है चाहे पेपर टू का. ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कीजिए. एंड फ्री लाइव सेशंस के लिए जुड़िए हमारे साथ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को यूट्यूब पे 6:30 बजे और वेंसडे और फ्राइडे को Byju's एग्जाम प्रेप ऐप पे 6:30 PM. मेक श्योर आप आपकी क्लासेस कभी मिस ना करें, क्योंकि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं. और आपकी क्लासेस का बेनिफिट ये है कि आप क्लास अटेंड करने के बाद नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो प्लीज़ आपकी क्लासेस भी मिस मत कीजिए. टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हैं तो आपको पेपर वन और पेपर टू के अपडेट्स पहुँचने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी. चलते हैं आज के सेशन की तरफ. आज हम पढ़ने वाले हैं नैक के बारे में. नैक के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन नैक के बारे में मैं आपको नहीं देने वाली हूँ क्योंकि वो आप सबको ही पता है. लेकिन ऑन डिमांड इस सेशन को लाया गया है क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो कि अभी तक आप लोगों को नहीं मालूम था. क्लियर? यानी नैक के बारे में आज हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे जो अभी हमें नहीं मालूम थी. तो पहले मुझे ये बताइए आप में से, थैंक यू सो मच दीप सुधा, सो हैप्पी टू रीड योर कमेंट. डॉक्टर दर्शना, वेलकम टू द सेशन, वी मिस्ड यू फॉर द यस्टरडे सेशन. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच यू वर नॉट एबल टू जॉइन, बट कोई बात नहीं डॉक्टर दर्शना, आप कल से ये चीज़ पे थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिएगा और मैं जल्दी लिंक शेयर कर दूंगी.
चलिए, तो नैक की फुल फॉर्म तो आप सब लोग स्क्रीन पे पढ़ ही चुके हैं। नैक की फुल फॉर्म है नेशनल। नेशनल का मतलब होता है जो पूरे इंडिया के लिए वर्क करते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है जब आपको असेस किया जाता है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस को स्टडी किया जाता है, लेकिन क्वालिटेटिवली, यानी डिटेल में आपकी एक एक चीज को स्टडी किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, आपके परफॉर्मेंस पे जो स्कोर्स आए हैं उन स्कोर्स का मीनिंग डिराइव किया जाता है। बेसिकली आपको ग्रेड्स देने से पहले आपको हर एक पैरामीटर पे स्टडी किया जाता है, उसे कहा जाता है असेसमेंट। एक्रीडेशन का मतलब होता है आपको क्या ग्रेड्स अवार्ड हो रहे हैं, और ये सब कौन करता है, एक बॉडी जिसको आप काउंसिल कह रहे हैं, बॉडी जो कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा बनाया गया है। इज दिस मच क्लियर टू एवरीबॉडी? सिर्फ नैक के मीनिंग से आपको क्लियर हो रहा है कि एक एक वर्ड क्या स्टैंड करता है? आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द नेम इटसेल्फ हर एक टर्म का क्या मीनिंग है? यस सुजाता, डॉक्टर दर्शना, सुपर्णा, डॉलन, अलीवा, कुमुदिनी, सबको क्लियर हुई ये चीज? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज रिप्लाई कीजिए, आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी रिप्लाई। अतुल ने ये बता दिया उनका ऑफिस का है, बहुत बढ़िया। अतुल वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, सबको क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहले ये बताइए किस पॉलिसी के कहने पर, किस पॉलिसी के रिकमेंडेशन पर नैक को लाया गया था? जल्दी बताइए, किस पॉलिसी के रिकमेंडेशन पर नैक को लाया गया था? बताइए एवरीबॉडी, किस पॉलिसी के कहने पर नैक को फ्रेम किया गया था, नैक को फाउंड किया गया था? यस यस करेक्ट एवरीबॉडी, करेक्ट। बताइए एवरीवन, टेल मी विच पॉलिसी रिकमेंडेड द फाउंडेशन ऑफ नैक? मैंने ईयर नहीं पूछा, मैंने पॉलिसी पूछी है, जिसका करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया है संगीता ने, फिर सुजाता ने, फिर चैताली ने, गरिमा ने, जिमिन ने, श्रबोनी ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो जितने बच्चों को पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता तो आपको बता दूं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड प्लान ऑफ एक्शन जो कि 1992 में आया था, उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आपके नैक को फाउंड किया गया था, और नैक जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। क्लियर टू एवरीबॉडी? सो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड आफ्टर द रिकमेंडेशंस गिवन बाय प्लान ऑफ एक्शन 1992, आपका नैक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1994 में। ठीक है, ये था वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आपको आ सकता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नैक अभी तक यूजीसी का बात है, लेकिन NEP 2020 के अंदर कहा गया है कि अब नैक को सेपरेट कर दिया जाए यूजीसी से, यानी नैक को फंड्स कौन दे रहा है, नैक को फंड्स दे रहा है यूजीसी, एंड नैक इज स्टिल अ पार्ट ऑफ यूजीसी, लेकिन आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ NEP 2020 नैक को यूजीसी से कर दिया गया है सेपरेट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? सबको ये बात क्लियर हो गई? आगे चले आगे चले एवरीबॉडी, आर दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? संगीता को तो क्लियर हो चुके हैं, बाकी सभी लोग को? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं नहीं याद रहते, भूल जाता है बच्चा, एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाता है, और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है जहाँ पेपर में हम गलत आंसर मार्क कर देते हैं। सो क्लियर टू एवरीबॉडी विद ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट? इवन जिमिंग, बीएड, प्रसाद शर्मा, सबको क्लियर हो चुका है। चलिए अब आ जाइए आप अपने पॉइंट नंबर थ्री पे। तो पहला हो गया NEP 86 वाला, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यूजीसी वाला, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि नैक की जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में है।
तो अगेन ये यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है जो आप लोगों को नहीं पता था। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दिल्ली दे दिया था, लेकिन दिल्ली इज द रॉन्ग आंसर। नैक का मेन हेडक्वार्टर, जब नैक को एस्टैब्लिश किया गया था, उसका मेन हेडक्वार्टर वॉज इन बेंगलुरु। सो बेंगलुरु में है मेन हेडक्वार्टर्स ऑफ नैक। क्लियर टू एवरीबॉडी? वंडरफुल। तो अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा वो कर दीजिए। जिसने भी ये जो मेगा वर्कशॉप होने जा रहा है 29 अप्रैल कल यानी कि 7:30 बजे, अगर आपने अभी तक अपने आप को इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर नहीं करा है तो प्लीज़ इस लिंक पे क्लिक कीजिए जो आपके चैट बॉक्सेस में दिया गया है, और उस पर जाके इस वर्कशॉप के लिए अपने आप को कर लीजिए रजिस्टर। चलिए अब आ जाइए आप विजन ऑफ द नाइट पर। कितने बच्चों को ये पता है नैक का विजन क्या है? अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये इम्पॉर्टेंट है और हम लोग इसे निग्लेक्ट करके चले जाते हैं। ये क्वेश्चन आज का जो सेशन है वो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के एंगल से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लाइटली मत लीजिए। सेशन को अटेंड कर लीजिए, 30 मिनट्स का सेशन है, खत्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात आपको जो पता होना चाहिए कि नैक का जो विजन है, विजन मतलब नैक अपने आप को किस एंगल से देख रहा है, नैक का मेन मोटिव क्या है। तो नैक का मेन मोटिव क्या है? क्वालिटी मेंटेन करना। आपको पता था ये बात? तो वन वर्ड में अगर आप नैक के विजन को याद रखना चाहते हैं तो क्वालिटी वर्ड याद रख लीजिए, बिकॉज नैक अपने आप को जिस भी काम में इन्वॉल्व करता है, जिस भी काम को करता है, इस एंगल से करता है कि हम हायर एजुकेशन सेटअप में किस तरह से क्वालिटी मेंटेन कर पाए। सो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ही नैक इवैल्यूएशन करता है। सो हायर एजुकेशन के अंदर अगर आप क्वालिटी मेंटेन करने की बात सोचता है नैक, नैक का हर एक इवैल्यूएशन जो होता है वो इसी मोटिव से होता है कि किस तरह से हायर एजुकेशन सेटअप में हम क्वालिटी को मेंटेन कर पाए। स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू, प्लीज इन की वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज लाइफ में आपको कभी ये चीज कहाँ काम आ जाएगी आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में आ जाएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जिस भी ऑप्शन में क्वालिटी वर्ड लिखा होगा उस पर फटाफट से क्लिक कर दीजिएगा। दीपिका NEP 86 और प्लान ऑफ एक्शन 1992 में कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। 86 के कोई अंदर जो चेंजेस लाए थे उसके लिए 1992 आया था। तो अगर आपको दोनों में से आंसर आता है आप 86 पिक कर लीजिएगा। IQAC डॉक्टर दर्शना नैक का पार्ट नहीं है, IQAC इनफैक्ट हर यूनिवर्सिटी का पार्ट है, और नैक जब विजिट के लिए आता है वो IQAC डिपार्टमेंट की जो रिव्यूज होते हैं, इवैल्यूएशन रिपोर्ट कार्ड होता है, उनको दोबारा से स्टडी करता है। क्लियर डॉक्टर दर्शना? तो IQAC इज रिकमेंडेड बाय नैक दैट एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव एन IQAC डिपार्टमेंट। क्लियर डॉक्टर दर्शना? क्लियर दीपिका? बोथ ऑफ यू योर डाउट्स आर क्लियर? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे कि नैक ने विजन मतलब होता है नैक अपने आप को हर काम में कैसे देखता है, और उस विजन को यूज करके नैक के मकसद क्या है, मिशन क्या है, नैक के एम्स क्या है, नैक के गोल्स क्या है, नैक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगेन फिर से ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चे इनको पढ़ना तक जरूरी नहीं समझते। तो मिशन है आपके नैक का, पहला तो ये है कि वो पीरियोडिकली यानी कुछ पीरियड के समय के बाद हमेशा असेसमेंट करता रहे, यानी रेगुलर इंटरवल्स पर आपका असेसमेंट होना ही चाहिए। दूसरा मोटिव है आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स में क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। तो पहला हो गया पीरियोडिकली आपका असेसमेंट होना चाहिए, आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं 7 पैरामीटर्स हैं उन हर एक पैरामीटर में आपको क्वालिटी मेंटेन रखना है, ठीक है। तीसरा है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए रेगुलर रिसर्च वर्क कंडक्ट करना। देखिए नैक को भी तो रिसर्च वर्क कंडक्ट करना पड़ेगा, नैक को भी तो इंटरनेशनल बॉडीज के साथ टच में रहना पड़ेगा, तभी तो नैक हमें सजेस्ट कर पाएंगे कि हमें अपने देश की यूनिवर्सिटीज को कैसे इंप्रूव करना है। तो उसके लिए नैक भी कॉन्स्टेंटली खुद भी रिसर्च करते हैं और इंटरनेशनल बॉडीज के साथ संपर्क में रहते हैं, जैसे कि आपकी INQAAHE हो गया, जैसे कि आपके साथ क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, उनके साथ नैक हमेशा टच में रहते हैं ये जानने के लिए कि किस तरह से हम अपनी कंट्री का एजुकेशन लेवल इम्प्रूव कर पाए और क्वालिटी इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। एंड नैक का एक और काम है कोलैबोरेट करना। कोलैबोरेट करना किसके साथ?
इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, इन सब के साथ कोलैबोरेट करके अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? यस पूजा देसवाल, विजन एंड मिशन आर दोनों डिफरेंट होता है। विजन होता है तुम अपने आप को कैसे देख रहे हो, मिशन होता है उसको जैसे आप अपने आप को देख रहे हो, उस फैक्टर को, उस क्वालिटी को आप हर एक एम और गोल के साथ कैसे जोड़ते हो। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस नेहा गोयल, कोलैबोरेशन वाले पॉइंट में आप नैक को QCI और INQEEHE से रिलेट कर सकते हैं, जो दोनों चीजें आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाले यूनिट में भी पढ़ते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? चले आगे, सबको मिशन क्लियर हो चुका है। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वंडरफुल, वंडरफुल। नई प्रणाली QCI के अंदर नैक नहीं आएगा, नैक के अंदर QCI नहीं आएगा, वो दोनों अलग अलग बॉडीज है जो मिलकर काम करती है, कोई किसी के अंदर नहीं है। क्लियर? जीवन पाठशाला पॉइंट नंबर 3 का मतलब है कि रिसर्च वर्क कंडक्ट करना जिससे नैक को ये पता लगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं जिससे कि क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पर आइए। अब बताइए, जो नैक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी नैक अकेले कोई डिसीजन नहीं लेता, नैक के दो डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलकर डिसीजन लेते हैं, एक है GC, एक है EC। GC का मतलब है जनरल काउंसिल और EC का मतलब है एग्जीक्यूटिव कमिटी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि नैक का जो भी डिसीजन होता है वो GC लेता है या EC लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि नैक का जो भी डिसीजन होता है वो GC एंड EC मिलकर लेते हैं, यानी ये दोनों ही बॉडीज मिलके डिसीजन लेते हैं और वो नैक का फाइनल डिसीजन होता है। क्लियर? क्लियर? सबको ये चीज क्लियर हुई? और एक खास बात और बता दूं, जो भी चेयरपर्सन होते हैं, जो भी चेयरपर्सन होते हैं UGC के, वही बनते हैं GC के हेड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद आप में से बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा कि जो भी UGC के चेयरपर्सन होते हैं वही होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ GC। यानी जो भी इंसान UGC का चेयरपर्सन बनेंगे वही बनेंगे प्रेसिडेंट ऑफ GC, यानी ये दोनों अलग इंसान नहीं होंगे। मैंने अभी आपको बताया नैक UGC का पार्ट है, इसी रीजन से जो भी चेयरपर्सन ऑफ UGC होते हैं उन्हें ही प्रेसिडेंट ऑफ GC बनाया जाता है। GC मतलब जनरल काउंसिल। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? क्लियर? और जो EC होता है, जो EC की पोस्ट पे जो हेड आते हैं, वो जो EC के प्रेसिडेंट होते हैं, वो कोई भी देश के एक अच्छे अकेडमिशियन हो सकते हैं जिन्हें की GC रिक्रूट करते हैं। क्लियर? यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो भी हेड होते हैं उनको कौन रिक्रूट करता है? उनको जनरल काउंसिल के हेड रिक्रूट करते हैं, और वो कोई भी अकेडमिशियन हो सकते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीबॉडी? पता था आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबको मालूम था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? अब आ जाइए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जिसको आप एग्जाम में पा सकते हैं, वो ये है, फिलहाल प्रेजेंटली, प्रेजेंटली जो प्रोफेसर, प्रेजेंटली जो प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी हैं, वो है हमारे चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो चेयरमैन है वो है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी, एंड प्रोफेसर M जगदेश कुमार है प्रेसिडेंट ऑफ GC। जगदेश कुमार जी है प्रेसिडेंट ऑफ
आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि आपको मुझे एक आंसर देना है कि प्रोफेसर एम जगदेश या फिर प्रोफेसर भूषण जी, इन दोनों में से कौन यूजीसी के चेयरपर्सन है? आंसर दीजिए, प्रोफेसर एम जगदेश या फिर प्रोफेसर भूषण जी, इन दोनों में से इस समय चेयरमैन ऑफ यूजीसी कौन है? बताइए, हु इज दी चेयरमैन ऑफ यूजीसी? वंडरफुल गरिमा, वंडरफुल। वंडरफुल वंडरफुल एवरीवन, वंडरफुल। तो इस समय प्रोफेसर एम जगदेश कुमार जी ही हैं चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी। प्लीज, आपको सबको ही पता होगा, ये अभी नया रिक्रूटमेंट हुआ है, इट्स लेटेस्ट न्यूज है ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को अभी पता ही है, और इसके बहुत चांसेस हैं जून के पेपर में आने के। तो जून 2022 के नेट के पेपर में आने के बहुत हाई चांसेस है, तो प्लीज इस चीज को भूलिएगा मत, नोबडी शुड फॉरगेट इट, क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि आपके 7 क्राइटेरियाज है कौन से। तो ये अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी यूजीसी नेट के एग्जाम में और सेट के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो पहली चीज आपको बतानी चाहिए कि हमने कहा नैक का फुल फॉर्म होता है NAAC, असेसमेंट, ए फॉर असेसमेंट। वो असेसमेंट होता है इन 7 पैरामीटर्स, यानी इन 7 क्राइटेरियाज के बेसिस पर आपका मार्क्स दिए जाते हैं। इन 7 क्राइटेरियाज को असेस किया जाता है, जिसमें पहला है करिकुलर। बता सकते हैं करिकुलर के अंदर कितने मार्क्स आते हैं? एनी आइडिया? तो मैं आपको बता दूं, आपके करिकुलर के अंडर आते हैं 150 मार्क्स। करिकुलर में आ जाता है आपका टोटल एकेडमिक्स, यानी एक कॉलेज में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने लेक्चर्स लग रहे हैं, कौन सा टीचिंग मेथड यूज किया जाता है, आप ICT को यूज कर रहे हैं नहीं, या नहीं कर रहे, आपकी क्लास में अटेंडेंस कितनी होती है, बच्चे क्लास में रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सिलेबस डिजाइन कैसे किया गया है, सिलेबस को आप रिव्यू करते हैं या नहीं, एकेडमिक से रिलेटेड जितनी बात है वो यहाँ करी जाती है, क्लियर? दूसरा पैरामीटर आता है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, यानी इसके अंडर आते हैं आपके 200 मार्क्स। टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं आपके 200 मार्क्स। तो टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन के अंदर आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आता है, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, टीचर प्यूपल टीचर रेशियो कितना है, क्लास में प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं तो टीवी प्रोजेक्टर चलते भी हैं या नहीं चलते, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, वो है 250 मार्क्स का, जिसके अंदर फैकल्टी ने एक साल में कितने रिसर्च पेपर्स लिखे, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने PhD स्कॉलर्स हैं, कितनों को अवार्ड हो गई, कितनों ने एडमिशन लिए, आपके जो टीचर्स हैं वो कितने वर्कशॉप सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, ये सब आता है आपका रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में। आपने अपनी तरफ से ऐसा कोई मॉडल डेवलप किया है जो कि आपके टीचिंग लर्निंग सेटअप में हेल्पफुल हो सकता है। सो इस तरह के पॉइंट्स को कंसिडर करा जाता है आपके रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन के अंदर। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज रिलेटेड, इसके 100 मार्क्स हैं, यानी आपके पास जितने बच्चे हैं उतने टेबल चेयर हैं, टीचर्स के लिए प्रॉपर पोडियम है, टीचर्स के लिए टेबल चेयर है, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, चॉक डस्टर्स, आपके पास प्रोजेक्टर्स, गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज कॉमन रूम, लैब्स हैं, उनको आता है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। देन आता है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन अगेन 100 मार्क्स का, यानी आप बच्चों के लिए कॉमन नीड्स, बच्चों के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए किस तरह से प्रोग्राम्स करते हैं, आप बच्चों के लिए क्या करते हैं, बच्चों के लिए स्पेशल क्या किया जाता है बच्चों की मेंटल हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिर आता है आपका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के हेड्स के लिए होता है, बेसिकली चांसलर्स और वाइस चांसलर्स के लिए,
कि किस तरह से वो ओवरऑल अपनी यूनिवर्सिटी को मैनेज कर रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, कितने स्टाफ को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो 100 मार्क्स का है। क्या आप बिजली को बचाते हैं? हाउ यू आर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, सेविंग एनर्जी। हाउ यू आर हेल्पिंग इन अ ग्रीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट। आप प्लास्टिक के यूज को किस तरह से कम करते हैं? आप लोग पेपर को किस तरह से रिसाइकिल कर रहे हैं? आप पेपर को एक साइड से यूज करते हैं, दो साइड से, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूशन का विजन एंड मिशन क्या है जो कि उसको दूसरों से अलग बनाता है, यानी आपकी कंपनी का, आपकी यूनिवर्सिटी का क्या गोल, मिशन एंड विजन है? आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा क्या करती है जो बाकी यूनिवर्सिटी से अलग है, यानी आप मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट कर रहे हैं या कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, जो भी आप अलग से करते हैं वो आता है आपका वैल्यूज में एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी का विजन और मिशन भी स्टडी किया जाता है कि वो कितना रेलेवेंट, कितना करेक्ट है, एंड आप अपने विजन एंड मिशन को हर एक एक्टिविटी में कितना फॉलो भी कर रहे हैं। क्लियर? अब जरा टोटल कीजिए, कितने मार्क्स बनते हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000, यानी हर एक यूनिवर्सिटी को टोटल 1000 मार्क्स का ये देना होता है। तो हर एक यूनिवर्सिटी को 1000 मार्क्स में से मार्क्स दिए जाते हैं। इज दिस मच पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो जिसको भी लास्ट वाला पॉइंट नहीं दिख रहा था, आई होप अब दिख जाएगा। पूजा, ये ऑर्डर कुछ नहीं होता इसमें, पूजा ये कोई ऑर्डर नहीं है जो आपको फॉलो करना है। दीज आर 7 पैरामीटर्स, आप किसी भी ऑर्डर में याद रख सकते हैं, कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है जिसमें आपको याद रखना है। क्लियर टू एवरीबॉडी? सो देयर इज नो प्रॉपर ऑर्डर दैट यू नीड टू फॉलो, यू कैन रिमेंबर इट इन एनी ऑर्डर यू वॉन्ट टू। किसी को कोई भी डाउट है? करिकुलर बात करता है अकेडमिक्स की, ठीक है। बर्नाली, देर इज नो वन एरिया इन विच नैक वॉन्ट्स यू टू परफॉर्म बेस्ट, इट इज ऑन ऑल द 7 पैरामीटर्स यू हैव टू स्कोर गुड, अदरवाइज यू विल नॉट बी गेटिंग गुड ग्रेड। सो बर्नाली, ऑल आर इक्वल, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है विच इज मोर इम्पोर्टेंट। कोलैबोरेट का मतलब होता है वनीशा, मिलकर काम करना, यानी कि बाकी बॉडीज के साथ भी टच में रहना, देश के अलग अलग एजुकेशनिस्ट को अपने साथ जोड़ना, उनसे उनसे पूछना, उनसे फीडबैक लेना कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, इंटरनेशनल बॉडीज के साथ भी क्लब अप करना। क्लियर वनीशा? नहीं नहीं बर्नाली, आई जस्ट टोल्ड यू एनी पैरामीटर इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑल द पैरामीटर्स आर इम्पॉर्टेंट। बर्नाली, वो क्वेश्चन गलत है, फिर वो क्वेश्चन गलत है। अगर तुम सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे जाओ तो रिसर्च आता है बर्नाली, अगर आप देखो सबसे ज्यादा मार्क्स रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में है। क्लियर बर्नाली? अदरवाइज नैक कभी नहीं कहता ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मार्क्स के बेसिस पे जाओ तो सबसे पहले आएगा रिसर्च, फिर आएगा टीचिंग और फिर आएगा करिकुलर। क्लियर बर्नाली? क्लियर स्वर्णिमा, करिकुलर का मतलब होता है जब तुम पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात करते हो, टीचिंग लर्निंग का मतलब होता है स्वर्णिमा की क्लासेस रोज हो रही हैं, बच्चे कितने पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर रहे हो, क्लासेस के लिए प्यूपल टीचर रेशियो क्या है। रिसर्च का मतलब होता है आपकी फैकल्टी रिसर्च पेपर लिखता है, पब्लिश करवाता है, PhD करवा रहा है, कुछ नया क्या कर रहा है अपनी फील्ड में। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन का मतलब होता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हो। गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आपके चांसलर एंड वाइस चांसलर के लिए होता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी यूनिवर्सिटी को कैसे चला रहे हो। और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी औरों से अलग क्या कर रही है, आप अपनी यूनिवर्सिटी को किस तरह से नेचर, मदर नेचर के साथ जोड़ रहे हो, किस तरह से आप एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो, पेपर को बचा रहे हो। क्लियर एवरीबॉडी? रश्मि, एज सच फीस नहीं होता है, आपको उनको उनको पूरा मैनेज करना पड़ता है, जब वो आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको कंप्लीट मैनेजमेंट करना पड़ता है, उनको 3 दिन का पूरा एक चार्ट बना के देना पड़ता है। क्लियर?
करिकुलर एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि किस तरह से आप एकेडमिक्स के ऊपर काम कर रहे हो, आपका करिकुलम किसने बनाया है, कैसे बनाया है, करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट्स डाले हैं, करिकुलम के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं, करिकुलम को कितनी बार रिव्यू करा गया है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया गया है, और आपने करिकुलम में कितने लेक्चर्स डाले हैं, कितने ट्यूटोरियल्स डाले हैं, कितना प्रैक्टिकल डाला है, कितना इंटरनल असेसमेंट है, कितना एक्सटर्नल है. क्लियर क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर हो गया कोयल गांगुली? आपको भी बेटा. डॉक्टर दर्शना, पहले तो 3 इयर्स था, 5 इयर्स था, फिर 3 इयर्स कर दिया गया था. सो यस डॉक्टर दर्शना, अभी तक तो 5 इयर्स तक वैलिडेशन है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए थे, अदरवाइज 5 इयर्स तक तो वैलिड है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो नैक का ये ओवरऑल क्राइटेरियाज है, जो मार्क्स है, वो ऑलमोस्ट 5 इयर्स के लिए वैलिड रहते हैं. 5 इयर्स के लिए अभी तक तो वैलिड है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे थे. ठीक है, अब आ जाइए आप स्कोरिंग के ऊपर. स्कोरिंग पे आ जाइए. अगर आपके 3 पॉइंट, देखिए जो आपके मार्क्स होते हैं ना, उन मार्क्स को आप CGPA के अंदर कन्वर्ट करते हो. ठीक है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको अपने मार्क्स को CGPA के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, ग्रेड पॉइंट्स के अंदर, उसका प्रॉपर फॉर्मूला है. ठीक है, अगर आपका जो ग्रेड है वो 3.5 से 4 के बीच में है, तो आपको A++ ग्रेड मिलता है, यानी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी है. अगर आप 3.26 से 3.5 के अंदर आते हैं, तो आपको A+ ग्रेड दिया जाता है, अगेन आप एक्रीडेटेड है. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्लीज इसे एग्जाम में पढ़ के जाइएगा. और अच्छी बात यह है कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप प्राइवेट, गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट कुछ मत देखिए, आप सिर्फ ये ग्रेड देखिए. अगर आपकी यूनिवर्सिटी जिससे आप PhD करना चाह रहे हो उसका A++ या A+ या A ग्रेड है, तो प्लीज वहां पे एडमिशन ले लीजिए, यानी वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है. वो अपने आप में उसका ग्रेड बोलता है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी. अच्छी यूनिवर्सिटी आप या मैं नहीं बोलते, ग्रेड बोलता है. तो इसलिए जब भी आपने कहीं एडमिशन लेना हो, सबसे पहले उसका नैक का ग्रेडिंग चेक कर लो. अगर वो इन तीनों कैटेगरीज में है, तो उसमें ब्लाइंडली एडमिशन ले लो. ठीक है, अगर आप 3 से लेकर 3.25 तक है तो ए ग्रेड है, 2.76 से 3 तक B++ ग्रेड है, 2.5 से 2.75 तक B+ है. ठीक है, 1.5 से 2 तक C है, ऐसे केस में भी एक्रीडेशन दिया जाता है. लेकिन अगर आप 1.5 से नीचे हैं, तो आपको एक एक्रीडेशन नहीं मिलेगा. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? यस, फॉर 5 इयर्स वो वैलिड रहता है. गवर्नेंस एंड लीडरशिप का मतलब होता है मन्नत, कि किस तरह से आप यूनिवर्सिटी को चला रहे. तो वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट से रिलेटेड है, जो कि वो ओनर, जो चांसलर एंड वाइस चांसलर होते हैं, उनके लिए होता है. यस यादव, इसको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए. संगीता, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब होता है आपकी यूनिवर्सिटी औरों से अलग कैसे, आप उसमें ऐसा अलग कौन सी वैल्यू उसको फॉलो कर रहे हैं, आप किस तरह से देश के प्रति अपनी यूनिवर्सिटी के और बच्चों को अवेयर कर रहे हो, किस तरह से आप इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहे हो. अब पूछिए आप लोगों का क्या डाउट है, किसी को कोई और डाउट है बेटा? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है जो स्क्रीन पे दे रखा है. ठीक है, तो टोटल मार्क्स है 1000, उन 1000 मार्क्स को हम CGPA में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला, और उनके बेसिस पे आपको ग्रेडिंग दिए जाते हैं. ठीक है, ठीके? तो आपको असेस किया जाता है, ये हो गया आपका असेसमेंट का पैरामीटर. तो आपको इन 7 क्राइटेरियाज पे असेस किया जाता है. नैक का फुल फॉर्म क्या है? NAAC. तो जो पहला ए है असेसमेंट, वो इसके लिए है.
आपको इन 7 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है। क्लियर? तो ये हो गए टोटल आपके 1000 मार्क्स, और इन असेसमेंट के बेसिस पे आपको एक्रीडिएशन दिया जाता है। तो ये हो गया आपका एक्रीडिएशन, यानी कि ये जो ग्रेड्स आपको दिए जाते हैं ये बताते हैं आपका एक्रीडिएशन। क्लियर? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। द मेजर हर्डल इन द वे ऑफ रियलाइजिंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया इज डैश। कोयल गांगुली सबको मिलते हैं, बस डी वाले अपना लिखते नहीं है, उनको यूनिवर्सिटी माना ही नहीं जाता है ना। यस यादव, इस चार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गरीबी की वजह से चाइल्ड लेबर होता है। जब बच्चा काम पे जाता है क्योंकि घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। वेस्टेज इन स्टैग्नेशन तब होता है जब बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं, और मशीनरी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज पॉवर्टी, गरीबी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। ये तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन। फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू डेवलप द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द रैशनल चॉइस थ्योरी वॉज डैश। ओके कि इससे पहले आप सेशन के अंदर आगे बढ़ो, तो कल होने जा रहा है आपका मेगा मॉक टेस्ट। मेगा मॉक टेस्ट होने जा रहा है जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो काफी टफ भी होंगे, प्लस डिफिकल्ट भी होंगे, प्लस वो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में। तो ये मेगा मॉक टेस्ट होने जा रहा है कल आपका 6:30 PM ऐप पर कल होगा ये। प्लीज एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन को कल मिस मत कीजिएगा। ये ऐप पर होगा 6:30 PM मेगा मॉक टेस्ट। मेक श्योर आप में से कोई भी बच्चा इस मेगा मॉक टेस्ट को कल मिस ना करे। 6:30 PM ऑन दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली मेजोरिटी ने दिया है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे पहली बार बात करी थी आपकी रैशनल चॉइस थ्योरी के लिए। हाबरमास ने और डेन ने बात करी थी आपके टीचर एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स है, और इमाइल डिकिम जो है वो वैसे ही फिलोसफी से रिलेटेड है, उनका रैशनल चॉइस थ्योरी की बात नहीं की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन एक्सप्रेशन ऑफ अ डिजायर टू इम्प्रूव द ऑपरेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम बाय स्ट्रेंथनिंग द प्लानिंग वर्क डन एट द रीजनल एंड लोकल लेवल्स, उसको आप क्या कहोगे। तो फिर से मैं लिख रही हूँ, आपका मेगा मॉक टेस्ट होने जा रहा है कल बायजूम्स एग्जाम प्रेप ऐप पर। कल होगा 6:30 PM एंड यहाँ पर आपको दिए जाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस जो थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे, प्लस जिनको हम उम्मीद कर रहे हैं वो रिपीट हो सकते हैं सिमिलर फॉर्म में एग्जाम में। तो प्लीज इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, कल जरूर पहुंचिएगा, एक भी बच्चा छुट्टी मत लीजिएगा।
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था, एक ऐसी प्लानिंग जो होती है रीजनल या लोकल लेवल्स पर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आंसर नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे आप प्रॉफिट्स देखते हो। सोशल रिटर्न मतलब कि किस तरह से आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो सोशली कितना यूजफुल है। बजटिंग का मतलब होता है आप अपना एक्सपेंडिचर और अपनी इन्वेस्टमेंट्स, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को स्टडी कर रहे हो। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, एक ऐसी प्लानिंग जो लोकल एंड रीजनल लेवल्स पे होती है यानी स्मॉल स्केल प्लानिंग, उसको आप कहते हो माइक्रो प्लानिंग। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इसी के साथ आते हैं हम आज के सेशन के एंड पर। मिलने जा रहे हैं हम कल आपसे मेगा मॉक टेस्ट के लिए। मेगा मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊंगी कल मैं आप लोगों के लिए ऐप पर 6:30 PM, जो कि हो गया काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs दिए जाएंगे, प्लस जो चैलेंजिंग भी होंगे, प्लस जो थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे, प्लस जो रिपीट भी हो सकते हैं। तो जरूर जुड़िएगा इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए कल ऐप पर 6:30 PM। तब तक रखिए अपना ध्यान, स्टे फिट फाइन एंड हेल्दी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो जाते जाते सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज कल गुलशन मैम की जो वर्कशॉप है उसके लिए अपने आप को आप रजिस्टर कीजिए। चैट बॉक्स में आपको उसका लिंक दे रखा है, सो मेक श्योर यू आर रजिस्टरिंग योर सेल्फ फॉर दिस मेगा वर्कशॉप टू बी कंडक्टेड टुमारो। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। संतोषिनी एंड कृष्णा एंड सौभाग्या एंड रूबी भाटी, मेक श्योर यू आर लाइकिंग द सेशन, शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबिंग टू द बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल। गायत्री सोनी आप भी कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड डे, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय, गॉड ब्लेस यू।